दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो जब भी आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, मछली पकड़ने का एक चमत्कारी यंत्र बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड, कैसा है आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिश कैचर का मशीन बनाएंगे। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसके जो आई होता है, आई को ले लेंगे, कॉपर वायर ले लेंगे हम लोग 18 नंबर का। आई लेने के बाद वर्टेक्स पेपर ले लेंगे हम लोग, सेलो टेप रखेंगे, पेपर को हम लोग इसकी जो लंबाई है उस हिसाब से नाप लेंगे। नाप लेने के बाद में उसको, ये नापा हुआ है इसको अलग, इसको अच्छी तरह से लपेट के अच्छी तरह से इसको टाइट से बांध देंगे। देख रहे हैं आप, ये सिलेटर से इसको अच्छी तरह से चिपका के सरकना नहीं चाहिए ऊपर नीचे, इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। उसके बाद 18 नंबर का तार लेंगे, जो देख रहे हैं 18 नंबर का तार है, ये तार को खोलेंगे। खोलने के बाद जो खोल दिए, खोलने के बाद इसमें स्लिप लगाएंगे हम लोग, इसमें स्लिप लगाएंगे, इसको कट करके स्लिप को अच्छी तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद तो इसको बेंड कर देंगे बाहर ना निकले, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके इसे राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद इसको उसी के ऊपर से उसको लपेट देंगे, क्योंकि वो तार सरके नहीं, तार उसी पे लपेट देंगे, तार सरके नहीं और उस पर लपेटते जाएंगे हम लोग। ये लपेटना है यहाँ, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर में इसमें 100 टन्स लपेटना है, या फिर फर्स्ट लेयर में जितना टन्स आ जाए इसमें दो लेयर लपेटना है। मोटी वाली जो वायर है इसमें 18 नंबर की, ये दो लेयर लपेटना है हम लोग इसको लपेटेंगे। इसको ऐसा लपेटना है कि उसमें कोई गैपिंग ना रहे और इसको टाइट से लपेटना है। देखिए यहाँ तक हम लोग लपेट दिए। लपेटने के बाद पेपर लेंगे और पेपर को कट करेंगे, उसके बराबर हिसाब से कट कर दिए और उसको घुरा के नाप लेंगे कि जितना लगेगा उतने हिसाब से यहाँ से कट कर देंगे। कट कर दिए और थोड़ा सा यहाँ कट कर देंगे तार को यहाँ से निकालने के लिए, कट कर दिए और इसको यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और फिर यहाँ से दूसरा लेयर चालू करेंगे हम लोग। ये देखिए दूसरा लेयर भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये दो लेयर हम लोग कम्प्लीट कर दिए। दो लेयर में 200 टन लपेट दें या फिर दो लेयर लपेट दें आप, ये दो लेयर तैयार हो गया। यहाँ से निकालेंगे इसको, यहाँ से प्लास्टिक कट कर देंगे, प्लास्टिक कट के करके उसके बाद हम लोग अब लेंगे वायर 22 नंबर का तार लेंगे और दोनों वायर को इस हिसाब से ये स्लिप काट लेंगे और दोनों वायर को मिला लेंगे हम लोग। मिलाने के बाद स्लिप इसको ऊपर पहना देंगे हम लोग, ये पहना दिए हम, और यहाँ से पहनाने के बाद थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे क्योंकि स्लिप निकले नहीं। देख लिए, अब इसको थोड़ा सा घुरा के घुमा के इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घुराते हुए आए हैं तार को, जितना हम लोग घुमाए एंटी क्लॉक वाइज, और ये भी जो तार ज्वाइन कर रहे हैं ये भी एंटी क्लॉक वाइज ही घुराना है इसको तार को। आप दूसरी दिशा में जब घुमाएंगे तो ये वोल्टेज आउटपुट कम देगी, ये वर्किंग बढ़िया से करेगा नहीं। तो इसको जिस तरह से आप स्टार्टिंग किए थे एंटी क्लॉक वाइज, उस तरह एंटी क्लॉक वाइज इसको वायर को निकालेंगे। पेपर लेके इसको ऊपर से कवर कर देंगे जिस तरह है, फिर से कवर करके फिर दोस्तों हम लोग ये पतली वाली वायर 22 नंबर की, ये पहला इसका लेयर जाएगा, इसको पहला लेयर जाएगा, और जो इसमें लेयर लपेटना हो 6 लेयर लपेटना है, यानी कि 1200 टन लपेटना है। एक लेयर में ये 200 टन आएगा, एक लेयर में 200 टन आएगा और ये 6 टन लपेटना है, 6 लेयर लपेटना है सॉरी। तो इसमें
12 टन आएगा, 12 टन इसमें निकालना है। ये कंप्लीट हो गया, फिर ये दूसरा में जा रहे हैं हम लोग, फिर इसको लपेटेंगे ऐसे करके। लपेटने के बाद जो कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर ये दूसरा लेयर हम लोग लपेट रहे हैं। दूसरा लेयर लपेटने के बाद हम लोग फिर तीसरा में चलेंगे। देख रहे हैं ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इसको बनाना है और बहुत बढ़िया काम करता है ये। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरा लेयर कंप्लीट हो गया ये। इसी तरह इसमें 6 लेयर निकालना है। ऐसे करते हुए 6 लेयर निकालना है और 6 लेयर निकल जाएगा तो ये आपका ट्रांसफार्मर तैयार है। ऐसे करते हुए 6 लेयर आप निकाल दीजिए, बस आपका एक ट्रांसफार्मर वर्किंग करने लगेगा। ये हम लोग कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट करने के बाद में एक ऐसा हाइलाइन सीट लेंगे, एक सीट सीट को उस डब्बे में रख के उसके आकार के हिसाब से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम लोग दाग लगा लेंगे और इसमें होल करना है, होल करके इसको टाइट करना है। देखिए इसको ड्रिल मशीन से होल कर देंगे हम लोग, ये होल कर रहे हैं हम लोग, इसी में टाइट करेंगे उसको, ट्रांसफार्मर को टाइट करेंगे इसमें। और ये एक्स्ट्रा छेदा कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइट करना पड़ेगा उस बोर्ड में, उस प्लास्टिक के बक्से में टाइट करना है। ये देखिए ये टाई लेंगे, टाई लेने के बाद में उसमें इसको डाल के, इसको यहाँ पे डाल के साइजिंग करेंगे किस हिसाब से चाहिए। थोड़ा इधर घिसने के बाद इसको लगाएंगे, इसको बराबर कर लेंगे। इसकी जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो हॉरिजॉन्टल में हो, इसको लगा दिए। इसको लगाने के बाद में टाइट कर लेंगे और अब इसको बाहर निकाल के अच्छी तरह से टाइट करेंगे, घिस के, लूज ना हो, इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे हम लोग। टाइट करने के बाद उस टाई को जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है काट के फिर अंदर में उसको अच्छी तरह से फिट कर देंगे। देख लिए इसका, इसको निकालेंगे और इसको जहाँ स्कूटर की पॉइंट लगानी है वहाँ पे एक लकड़ी लगाएंगे, स्क्वायर में एक लकड़ी जो देखने लकड़ी है ये स्क्वायर में लगाएंगे और ये पॉइंट यहाँ लगाना है। यह 3 तार इसका निकल गया, देखिए ये स्कूटर की पॉइंट है, इसको फाड़ के निकालेंगे। निकालने के बाद में इसको बाहर निकालने से देखिए स्कूटर का पॉइंट ये कहीं भी स्कूटर की दुकान में मिल जाएगा, इसको ले लेंगे। लेने के बाद ड्रिल मशीन से थोड़ा थोड़ा होल करेंगे जहाँ पे इसको टाइट करना है। होल करने के बाद ये एक ले लेंगे सेपरेटर, ये दोनों स्कूटर के पॉइंट में 2 होती है, एक नीचे का पोर्शन एक ऊपर का पोर्शन, उसके बीच में ही डालेंगे क्योंकि आपस में सटे नहीं दोनों। और थोड़ा होल बड़े कर देंगे क्योंकि उसमें फ्री होके घूमना चाहिए। इसको लेके और नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन के बीच में डाल देंगे इसको, इसको बीच में डाल के टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। ये टाइट करने के बाद देख रहे हैं आप थोड़ा सा इसको ढीला कर दिए, इसमें आप कनेक्शन करेंगे, फिर वापस खोलने के बाद इसमें कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद ये जो वायर है ट्रांसफार्मर की, जो पतली वाली वायर और मोटी वाली वायर, यानी कि 20 नंबर और 18 नंबर जो एक साथ में ज्वाइंट की थी हमने, वहाँ पे इसका कनेक्शन जाएगा। थोड़ा और इसको ढीला कर लेते हैं, यहाँ पे लेके इसको टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। इसका टाइट कर दिए, ये वायर देख रहे हैं इधर से निकालते हुए लेके आए, और जो 2 तार पतली वाली मोटी वाली वायर थी उसमें इसको अंदर अंदर से लेंगे तो अच्छी तरह से ये आ जाएगी। नीचे थोड़ा सा गेपिंग होती है, घिस के निकाल देंगे। इसे निकालने के बाद पतली वाली वायर और मोटी वाली जो वायर थी उसमें हम लोग उसको कनेक्शन को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसको बाहर निकाल देंगे और कैपेसिटर इसमें चला जाएगा। कैपेसिटर का जो पोर्शन है इसमें चला जाएगा, इसको सोल्डिंग कर देंगे, यानी कि इसमें 4 तार सोल्डिंग हुए हैं, 2 हो गया मोटा पतले
22 नंबर 18 नंबर और एक आपका स्कूटर के पॉइंट से आई है और एक कंडेंसर की पॉइंट है। एक और तार बनाएंगे सेम वैसा ही और उसको पॉइंट के ठीक जो स्प्रिंग वाली है पोर्शन वहाँ पे इसको लगा के सोल्डिंग हम लोग कर देंगे कि यहाँ पे लूज कनेक्शन ना हो, लूज कनेक्शन ना हो, इसको सोल्डिंग कर दिए, सोल्डिंग कर दिए। करने के बाद ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव वायर। यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते, स्विच लगेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव वायर है, ये बैटरी में जाएगी। और ये यहाँ से नेगेटिव जो मोटी वाली वायर थी उसके जो बची हुई थी जो हम स्टार्टिंग किए थे वो नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ से नेगेटिव। और जो पतली वायर जो बच रही है लास्ट, ये आउटपुट का कनेक्शन हो जाएगा। इसमें एक जोड़ लेंगे और एक नेगेटिव वाला वायर में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसकी ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। इसको लेके ये बैटरी का सप्लाई है वहाँ पे हम लोग उसको लगाएंगे। देखिए लगा दिए हम, ये बल्ब जलने लग गए, यहाँ से 220 वोल्टेज आउटपुट होने लगा। यहाँ से जो देख रहे हैं स्प्रिंग का जो स्क्रू था उसको कम बेसी करेंगे तो वोल्टेज कम बेसी होगा। देखिए हम लोग कट करके इसको फिट कर दिए अच्छी तरह से। फिट करने के बाद एक 7.2 एम्पीयर का बैटरी लेंगे 12 वोल्ट का और ये इससे लगाएंगे कि ये लगाने से आप इसको फिशिंग करने में इजी होगी, क्योंकि बहुत भारी बैटरी लेके चलना बहुत तकलीफ हो जाता है। ये वाला बैटरी ले लेंगे 12 वोल्ट 7.2 एम्पीयर की है। और ये देखिए फिटिंग इस तरह की है हम लोग, ये एक डब्बे में तैयार हो गया दोस्तों, बहुत सुंदर बना है, ये आप भी बना सकते हैं घर पे। दोस्तों ये फिश केसर का पूली डायग्राम है, देख रहे हैं आप, इसमें ट्रांसफार्मर का एक साइड में दो लेयर लिपटा गया है 100 टन्स, ये 200 टन्स टोटल 200 टन्स होगा। और जो सेकेंडरी है इसकी एक लेयर में 200 टन आ रहा है, एक लेयर में 200, ये 6 बार लपेटना यानी कि 1200 टन हो जाएगा। और इसकी जो वायर देख रहे हैं ये आपका एक नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से वो आउट हो जाएगा। और दूसरा जो आ रहा है बीच का वो उधर उधर का, ये 22 नंबर का और इधर आपका 18 नंबर का, दोनों तार आपस में मिला के वो चला जाएगा स्कूटर के पॉइंट में। देख रहे हैं आप स्कूटर का पॉइंट में चला गया और वहाँ से आपका एक पॉइंट में लग गया और स्कूटर के पॉइंट के ठीक दूसरा वाला जो है पोर्शन वो पॉजिटिव सप्लाई हो गया, वो पॉजिटिव सप्लाई उसमें इनपुट होगा। और ठीक पॉजिटिव सप्लाई और एक पॉइंट के इस साइड में कैपेसिटर लगेगा जो फैन, इसमें 2.5 का कैपेसिटर लगेगा जो कोई फैन में लगता है। और इसके जो देख रहे हैं पतली वाली वायर जो लास्ट में जब निकलेगी वो आपका चला जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, वो स्टिक में चला जाएगा, जो डंडे में लगाना है वो डंडे में चला जाएगा। और जो स्टार्टिंग में हम लोग जो तार लिए थे 18 नंबर के जो स्टार्टिंग किए थे वहाँ से वो नेट में चला जाएगा, और नेट के बाद जाने के बाद में एक आपका नेगेटिव में चला जाएगा जो देख रहे हैं आप, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसमें जब पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो वो पॉइंट के थ्रू आएगा कोइल में, कोइल जब मैग्नेट बनेगा तो उसको खींच लेगा, खींचेगा जब कनेक्शन छूट जाएगी तो मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, फिर मैग्नेट बनना बंद होगा तो फिर स्विच को छोड़ेगा, फिर स्विच जाकर वहाँ पर टच हो जाएगा, तो ये आपका स्विचिंग बन जाता है, वो बार बार करने लगता है जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाती है। इसी इलेक्ट्रिक जनरेट से हम लोग फिशिंग करते हैं और इसमें 220 वोल्ट निकलता है जिससे मछली को शॉक लगता है तो वो क्या करते हैं बाहर निकल आते हैं आराम से, और उसको आप जाली में पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसकी डायग्राम। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों में, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।